नमस्कार, शास्त्रार्थ में आप देख रहे हैं मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के बीच एक और शास्त्रार्थ। आज का विषय है स्त्री और पुरुष। नारी की हम पूजा करते हैं, मातृशक्ति की हम पूजा करते हैं, लेकिन दरअसल हमारे समाज में, हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा है? फेमिनिज्म की बात करते हैं, वुमनहुड के सेलिब्रेशन की बात करते हैं, लेकिन फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या लड़कियों की, सबसे ज्यादा किस देश में होती है? और किस देश में ही नहीं, किस इलाके में होती है? आप चौंक जाएंगे या शायद आपको याद भी होगा कि हरियाणा पंजाब नहीं, सेक्स रेशियो सबसे खराब साउथ दिल्ली जैसे समृद्ध शिक्षित और संभ्रांत इलाकों में है। इसी विषय पर हम चाहते हैं, बड़ा गहरा विषय है, कोशिश करते हैं कि कुछ और नए विचार, कुछ सोचने के लिए आपके सामने रखा जाए। देवदत्त जी, हम लोग स्त्री की बड़ी पूजा करते हैं और स्त्री की हालत हमारे यहाँ बड़ी इंफीरियर है, ऐसा अभी भी क्यों है? हर घर में अलग अलग व्यवस्था होता है और क्वेश्चन इज हमारी, हमने कौन सा संस्कार दिया है, हमारे पेरेंट्स ने क्या संस्कार दिया, और कहीं ना कहीं लास्ट 50-100 इयर्स में ये संस्कार दिया गया है, अब ज्यादा बढ़ रहा है, कि बीइंग अ वुमन इज समथिंग नेगेटिव। और ये संस्कार रिपीटेडली दिया जा रहा है कि बीइंग बोर्न विद अ वुमन्स बॉडी इज नेगेटिव एंड बीइंग बोर्न विद अ मेल बॉडी इज पॉजिटिव। हमारी जो संस्कार में एक पावर इक्वेशन किए गए है कि वन इज बेटर देन द अदर, ये कंपैरिजन, राजन सिंह, दे आर टू डिफरेंट एंड एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हम बोल रहे हैं कि वन इज बेटर वन इज वर्स। हम एक क्या बोलते हैं, एक मेजरमेंट, एक मापदंड बना दिया गया है जहां पे मैन इज गुड एंड वुमन इज बैड। डिफरेंट है, इसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, डिफरेंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, हम एक ही मापदंड दोनों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी हम ये सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया में एक हवा चली हुई थी जो यहां भी है, कि स्त्री बाहर जाए, खूब पढ़े, काम करे, अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट है कि फैमिली के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो बने हुए सिद्धांत हैं, और फैमिली एक एक्सिस के तौर पर पूरे समाज को जिस तरीके से संचालित करती रही है, वो घर बदल गया है। हम इसको जरा माइथोलॉजी के तरीके से देखते हैं, तो दो इमेजेस में ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, आप देखिए दो इमेजेस। एक है एक विष्णु का इमेज होता है, तो कैसे इमेज विष्णु का, कैसे इमेज होता है, विष्णु ऐसे विराजमान है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वो शेष नाग के ऊपर बैठे हैं और उनके पैर के पास लक्ष्मी बैठी है, ये एक इमेज है। तो अगर आप ये पिक्चर देखो तो लगता है कि ये सुपीरियर पोजीशन में है, ये इंफीरियर, ऐसे लगता है, क्योंकि विजुअल्स क्लियर दिखाते हैं। एक दूसरा विजुअल है यहां पे, जिसे कहते हैं काली का इमेज है, लंबे बाल हैं और वो खड़ी है शिव जी के ऊपर, शिव जी नीचे बैठे हैं, सोए हुए हैं और उनके ऊपर वो खड़ी है, तो उनके हाथ में खड़ा है। अब ये दोनों इमेज देखिए, एक में ये पावरफुल पोजीशन में, ये वीक पोजीशन में है, तो दोनों ऑपोजिट इमेज लग रहे हैं जी, दोनों दाम्पत्य के चिन्ह है, ये पति है ये पत्नी है, ये पत्नी है ये पति है, तो ये दो ऑपोजिट सिंबल उन्होंने क्यों बताया है? क्या है, क्योंकि सच कहीं बीच में है। और हम ये सच, कोई कहते जो पुरुष पैट्रियार्कल सोसाइटी जो कहते हैं वो इस तरफ देखता है, जो मैट्रियार्कल सोसाइटी वो इस तरफ देखता है, बेहतर क्या है? तो एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, दूसरा फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। वी हैव टू रीच दिस मिडिल पॉइंट वेयर एवरीबडी, क्योंकि अगर आप शास्त्र देखें तो कहेंगे कि जब आप किसी को देखते हो आप क्या देखते हो, देह देखते हो या आत्मा देखते हो? हम देह पहले देखते हैं, हम आत्मा नहीं देखते, आत्मा के लेवल पे ऑल इक्वल। तो बच्चा का जन्म होता है तो हमने उसके आत्मा को देखा है, देह को देखा है, हमने देह को देखा है, फिर बोलते हैं वो सुपीरियर है कि इंफीरियर है, पुरुष का देह है, गोरा देह है, अगर गोरा देह है तो और अच्छा है, अगर उसके, अगर वो डिजेबल्ड है, वो देह में कुछ प्रॉब्लम है
तो फिर हम उसको इन्फीरियर समझते हैं। अगर वो बड़े होके इंटेलिजेंट है तो हम उसको और ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो हमारे मन में हमेशा वो वैल्यू सिस्टम आ रहे हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, एंड वी रिजेक्टिंग दैट, एंड इन दैट समवेयर द फीमेल हैज सफर्ड द मोस्ट। जी, तो ये आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप हम लोग अपने अपनी सुविधा से डिफाइन कर देते हैं, और हमको अगर कोई एक संतुलन ढूंढना है वो ढूंढने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सूट नहीं करता। बिकॉज अभी देखिए, अगर आप मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो पहले एक होता था, एक घर होता था और घर के बाहर होता था। तो ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। तो यहां कहते थे कि ये मेल का स्पेस है और ये फीमेल का स्पेस है। तो हमने कहा कि मुक्ति या मोक्ष कहां मिलेगा अगर ये बाहर जाएगी। हमने ये कभी नहीं कहा ये अंदर आना चाहिए। बैलेंस नहीं किया हमने, तो फिर क्या हो रहा है, ये डैमेज हो गया। ये पार्ट हमने फोकस नहीं किया, हमने इसको ओके किया, इसको नहीं। अभी इसकी जो देखिए, हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट फीमेल इमेंसिपेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट मेल कमिंग इन। ये बैलेंसिंग हमने नहीं किया है। सो अगर आप बोलेंगे किचन की जो एक्टिविटीज है, सडनली दैट इज इंफीरियर, ऑफिस की एक्टिविटीज आर सुपीरियर। सो एवरीबडी मस्ट गो टू द ऑफिस, तो किचन कौन संभालेगा? कैन द हस्बैंड हैंडल? नो, दैट इज इंफीरियर। वाइफ शुड हैंडल? नो, दैट इज इंफीरियर। तो उसको आउटसोर्स करेंगे हम। तो जो घर का सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज वर देयर ऑफ द हाउस, जो किचन का एक्टिविटी है, चिल्ड्रन का एक्टिविटी है, somehow वो इंफीरियर हम उसको, तो हमने मेड रखना है जो बच्चे को संभालेगा, किचन के लिए कुक चाहिए, क्लीनिंग के लिए। दिस हैज बिकम अ नेगेटिव स्पेस, और इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं इन वेस्टर्न सोसाइटीज। होम्स आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, वाइल समाज का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस इज द हाउस। यहां पे संस्कार जाते हैं। आप संस्कार क्या दे रहे हो? दिस इज बैड, एवरीथिंग ओवर हियर इज बैड, दिस इज गुड, एंड एवरीबडी। तो ये इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहां भी हम गलती ये कर रहे हैं देवदत्त जी, कि हम इसको अच्छा या बुरा, सुपीरियर और इंफीरियर के तौर पर देख रहे हैं। यूनिक डिफरेंट एक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। आजकल आप ज्यादा आजाद हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो, लिबरेटेड हो, फ्री हो, इसके लिए एक तो यह है कि काम करिए और सिंगल रहिए, शादी करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप में रह लीजिए, और फिर तलाक की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ये इसी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल और रिलेशनशिप का नतीजा है, या क्या कैसे देखा जाए, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कोई किसी का दर्शन नहीं कर रहा है कि हम जब हम किसी का दूसरे का दर्शन नहीं कर। इंडिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ दाम्पत्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इमेजेस देखें तो हमेशा मैन एंड वुमन टुगेदर, कभी अकेले किसी मूर्ति को अगर आप केवल प्योरली मेल या प्योरली फीमेल, वॉज कंसिडर्ड नॉट गुड। इट वॉज ऑलवेज सेड दोनों को एडजस्ट करना है। उसका मतलब क्या था कि यू हैव टू लुक एट द अदर पर्सन कॉन्स्टेंटली। इसी में आपका ग्रोथ है, इसी में आपका ग्रोथ है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट कि व्हेन यू हैव, हाउ डू यू मैनेज विद द वाइफ एंड हाउ डू यू मैनेज विद द हस्बैंड। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द अदर, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ दूसरे को देख कर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मोर एंड मोर सिस्टम दूसरों की तरफ हम नहीं देखते हैं। हम सब हक के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप कर्तव्य के बारे में बात करो तो लोग कहते हैं ये बुरा शब्द है, कर्तव्य बोझ है, लेकिन हक भोग है। हमें सबको हक चाहिए, लेकिन कर्तव्य कोई दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है। दिस इज बिकमिंग द संस्कार। अच्छा ये लगता है कहने में, फैशनेबल ये लगता है, स्टेटमेंट ये है कि फेमिनिज्म और मजबूत हो, औरतें और आजाद ख्याल हो, वो और बाहर निकलें, वो सारे काम कर सकें जो पुरुष करते हैं, ये अच्छा लगता है कि आप अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आपका एक समाज को बनाने चलाने में, इस ह्यूमन रेस को बनाने चलाने में एक रोल है, उसके लिए आपको शायद घर वापस जाना है, मातृत्व का वक्त गुजारना है, बच्चों की परवरिश का वक्त गुजारना है, और यहाँ पर झगड़ा है कि पति करे कि पत्नी करे। क्या हुआ है, हम देखिए, ये जो डिस्कोर्स है और ये पाश्चात्य डिस्कोर्स है, जब हर चीज को रणभूमि में बना देते हैं, घर को भी रणभूमि बना दिया, ऑफिस को भी रणभूमि बना दिया, एवरीथिंग संघर्ष की बातें, रिबेलियन की बातें हैं, कोई आत्मीयता, साथ में कैसे रहना है? प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने घर को इंफीरियर समझा। तो जो भी घर का काम, तो स्त्री का जो रोल था उसको इंफीरियर, तो स्त्री भी इंफीरियर समझा। हमें बैलेंसिंग एक्ट करना है कि नहीं, ज्यादा खट्टा हो रहा है तो थोड़ा मीठा ऐड करो। हमारा सोसाइटी खट्टा मीठा सोसाइटी होता है, ज्यादा खट्टा हो रहा है तो खट्टापन ज्यादा है
तो थोड़ा मीठा ऐड करो. सो जो मेन थे उन्होंने कहा कि हम विमेन को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसको चेंज करना है, वो माइंडसेट को चेंज करना है कि बॉस यू हैव टू रिस्पेक्ट विमेन, यू हैव टू वर्क. कि हमारा संस्कार क्या है कि जो भी टास्क, वेदर इट इज अ मैन और वुमन, डजंट मैटर, हर आदमी का एक कोई मूल्य होता है, उसको मूल्य दो. बट इसके बजाय हमने सबको युद्ध भूमि में कन्वर्ट कर दिया है. युद्ध भूमि में कभी शांति नहीं होगी. और ये मियां जी जो दफ्तर में काम करते हैं, इस घर में जो रणभूमि बना के रखे हुए हैं, जब वर्क प्लेस पे भी आते हैं तो फिर को वर्कर के साथ भी इसी प्रकार की लड़ाई और हायरार्की और छोटे बड़े का झगड़ा करते हैं. बिकॉज छोटे बड़े का झगड़ा, देखिए मन, ये हमारा मन है, हम कैसे सोच रहे हैं, हम पशु के जैसे सोचते हैं, मनुष्य के जैसे सोच रहे हैं. अगर पशु के जैसे सोच रहे हैं तो हमेशा बड़ा छोटा की बात होगी. हम आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वी आर ऑल इक्वल. अलग अलग शरीर है, अलग अलग सिचुएशंस है. हाउ डू वी वर्क टुगेदर, हाउ डू वी प्रिवेंट दिस ऊपर नीचे का खेल कैसे कंट्रोल करें, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं. हम विनिंग लूजिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो ऑफिस में भी हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर वातावरण, घर में भी देख रहे हैं वातावरण. वी आर नॉट डूइंग दर्शन ऑफ ईच अदर कि बस मैं कैसे आपको सिखाऊं मुझे रिस्पेक्ट करना, और आप मुझे कैसे सिखाओ तो आपको रिस्पेक्ट करना. दैट एक हमसफर कॉन्सेप्ट, एक दैट वी आर इन दिस लाइफ टुगेदर, सबको हैंडल करना है. उसमें यह है कि अगर हम बहुत लिबरल हैं तो हम सफर साबित करने के लिए हम कॉस्मेटिक काम करेंगे कि आपको फ्रीडम है, आप खर्च कर लो, मैंने कभी पैसे का हिसाब पूछा क्या, कपड़े खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो. लेकिन जो बड़े फैसले हैं, घर कहां लेना, कौन सी नौकरी करना नहीं करना, बच्चे को कहां भर्ती करना, ये सारे फैसले आमतौर पर परिवारों में पुरुष करेगा, स्त्री की से जरूरी नहीं है. बहुत हुआ तो इनपुट ले लिया और डिसएग्री भी कर गए. सी रूल्स से प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते लाइफ में. कि रूल्स, सी एक सोसाइटी जहां पे आदमी कहता है कि मैं सबको कंट्रोल करूंगा, मतलब वो इवॉल्व नहीं हुआ है, उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ है, वो अभी भी छोटी सोच है उसकी. अभी उसके मन कैसे बदलेंगे? रूल से आप मन नहीं बदल सकते, क्योंकि घर का संस्कार है कि ऊपर नीचे का संस्कार है. घर का संस्कार कौन बदलता है? एंड वी डोंट रियलाइज द पावर ऑफ द किचन. किचन में अगर आप पहले खाना मेन को दोगे और उसके बाद वुमेन को दोगे तो आपने एक संस्कार एस्टेब्लिश कर दिया है. तो बच्चे के मन में एक संस्कार आ जाता है कि मेन आर मोर इंपॉर्टेंट देन वुमेन. But the woman can control, when the woman controls the household, कि सब साथ में खाएंगे, तो आपने क्या संस्कार दिया है कि एक आत्मीयता का संस्कार था. आजकल एक और नई समस्या पैदा हो गई है, और मुझे लगता है कि इन अ वे ये अच्छी बात भी है, लेकिन इससे लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है. वो ये कि आजकल लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित और इवॉल्व्ड इनलाइटेंड महिला घर और घर के बाद समाज को बदलती है. लेकिन अब यह है कि लड़की पढ़ गई है, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तो शादी कैसे कराएं? जी अभी देखिए, अभी जैसे प्रस्ताव आया है, तो आदमी किसको देख रहा है? लड़की को देख रहा है, या उसकी डिग्री को देख रहा है, या उसके कमाने की एबिलिटी को देख रहा है, या उसके घर मैनेज कर. हम दर्शन किसका कर रहे हैं? हम लड़की का दर्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी डिग्री का दर्शन कर रहे हैं. लड़के का दर्शन नहीं कर रहे हैं, उसके कमाने की एबिलिटी का दर्शन. वो अभी उस दाम्पत्य में क्या सुख होगा? पहले से ही शुरुआत हुई है बिना दर्शन की. एजुकेशन का और संस्कार दो अलग बातें होती है. आजकल ये ओल्ड फैशन हो गया है कि अरेंज मैरिज हो तो पहले दोस्ती करनी है, फिर प्रेम करना है, और लगा कि प्रेम है और एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर शादी कर लेंगे. उसमें भी है कि देर से करेंगे. इस वजह से क्या हुआ है कि मैं देखता हूं कि पुरुषों में, लड़कों में ये बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि वो अपने को कहां, किस जगह रखें, रिश्ते को कैसे मैनेज करें, कहां से प्रेम की शुरुआत हुई थी, कहां खत्म हुई, कब आप शादी नहीं करनी, शादी कर लिया तो तलाक करना है. ये बड़ा डायनेमिक और बड़ा ही उथल पुथल वाली फेज है, और तब है जब करियर संभालना है, सोलमेट नहीं ढूंढना है, अरेंजमेंट्स करने हैं जहां पे मैं पावरफुल पोजिशन में हूँ और दूसरा है वो पावरलेस पोजीशन में हो. तो फिर क्या होता है, क्लियर डायनेमिक होता है कि मैं कंट्रोल में हूं, आप कंट्रोल में नहीं हो, मैं जो कहूंगा वो आप करोगे. लेकिन अभी सिचुएशन क्या, दोनों पावरफुल बनना चाहते हैं, तो फिर युद्ध तो होगा ही. कोई नहीं कह रहा कि ये सिचुएशन में आप पावरफुल बनो, इस सिचुएशन में आप पावरफुल बनो. वी आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ताकि हम दुनिया के जो अपॉर्चुनिटीज है थ्रेट्स को घर के लिए बेनिफिट में ले सके. सो आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई ओनली एम लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी पावरफुल. मैं सबसे
पावरफुल जी। तो अपने पावर की तलाश में ये जो युद्ध हो रहा है, अब इस पर ये जजमेंट बना पाना तो बड़ा गलत हो जाएगा कि ये युद्ध अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये प्रोसेस है शायद हमारे इवॉल्व होने का। हम चाहते क्या है इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हम ये चाहते हैं कि हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे और सब हमारे नीचे, हम सुपत्नी बच्चे सब हमारी बातें सुनेंगी, या हम एक दुनिया के निर्माण करना चाहते हैं विच इज अ गुड वर्ल्ड, एक स्वर्ग, और जो हमारा घर है। सो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? या मेरा रेफरेंस पॉइंट कि मुझे घर चाहिए जहां पे मैं राजा, वर्सेस मुझे एक अच्छा घर चाहिए, कभी मैं वहां राजा रहूंगा कभी मैं प्रजा रहूंगा, बट घर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं जा रहा है। सो अहम ज्यादा बढ़ रहा है, हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, विच इज इंपैक्टिंग मैरिज, बिकॉज आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो, इट इज इंपैक्टिंग होम्स, तो पेरेंट्स के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि नहीं इट इज बेटर उसको आउटसोर्स करके खाना देंगे। पहले तो शादी नहीं करना है, देर से करना है, फिर ये भी फैशनेबल है कि बच्चा नहीं चाहिए। ये इकोनॉमिक रीजंस आ रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर मुझे पावरफुल होना है तो मैं दूसरों की तरफ क्यों देखूं? अगर बच्चा आ गया तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, तो शादी करूंगा तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, तो मुझे मुक्त रहना है। लेकिन आपकी एक जिंदगी और आपकी आत्मा पूरी तरह से जी ले इस भवसागर में जो आए हो, उसका पूरा सफर कर लो, तो सारे काम करने हैं ना, तभी तो इवॉल्व होगी आपकी आत्मा। पर हम ऐसे नहीं सोच रहे हैं ना, क्योंकि मी टू वी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, इट इज मी 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 कॉन्वर्सेशन। आखिर में एक बात और जो मैं मजाक के तौर पर कहना चाहूंगा, लेकिन वो एक सीरियस थॉट है, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स में जो टूल और जो मेंटालिटी अप्लाई होती है, वही बहुत इंटेंस ढंग से जो पॉलिटिक्स देश की समाज की बाहर की होती है, दरअसल मैन वुमन रिलेशनशिप में भी उतनी ही इंटेंस पॉलिटिक्स चलती है, और सारा झगड़ा इन दोनों के बीच में एक एक हारमोनी का नहीं है, ऊपर और नीचे का है, कौन रूल्ड है और कौन रूलर है, कौन रूल्ड है कौन। ये देखिए हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप में ऐसे होता है, हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप में होता है। आई विल शो इट इन द फॉर्म ऑफ इमेज अगर टाइम है तो। आप देखिए कि हर एक रिलेशनशिप यज्ञ के जैसे होता है। तो एक यज्ञ होता है, यहां पे एक यजमान होता है जो स्वाहा करता है, स्वाहा करता है, और एक भगवान होता है जो तथास्तु कहता है। तो यजमान भगवान, और प्रॉब्लम क्या होता है कि हर यजमान भगवान को कंट्रोल करना चाहता है कि मैं जो कहूं आप वही तथास्तु दीजिए, और हर भगवान यजमान को कंट्रोल करना चाहता है। तो इसमें इसका रिलेशनशिप में सबसे पावरफुल कौन है? क्या ये पावरफुल है या ये पावरफुल है? हम ये नहीं देखते हैं ये क्या ये रूलर है या रूल्ड है, क्या ये रूलर है या रूल्ड है। तो अगर आप यहां पे मेल डाल दो और यहां पे फीमेल डाल दो, यहां पे फीमेल डाल दो, यहां पे मेल डाल दो, यजमान कौन भगवान कौन रिलेशनशिप में? सब कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें एक म्यूचुअल नेगोशिएशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक शेयर्ड गोल, एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं है मेरी जगह मेरी औकात तय करना ही मूल समस्या है, भले वो ये स्त्री पुरुष संबंध भी क्यों ना हो। तो ये अगर ये कंट्रोल करना चाहता है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, ये कंट्रोल करना चाहता है तो प्रॉब्लम होगा। कोई शांति और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ कोई नहीं सोच रहा है, बिल्कुल। तो द डेस्टिनेशन इज बिकम अबाउट कंट्रोल, और यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होता है। बिल्कुल, आपने सुना जैसा कि देवदत्त जी ने कहा कि ये रणभूमि है, रिश्तों की रणभूमि, जहां स्त्री पुरुष के संबंध भी दांव पर लगे हुए हैं, क्योंकि दिक्कत वही है, वही मूल आदिम भावना कि नियंत्रण कौन करे, कंट्रोल कौन करे, कौन अपने को दे दे, अपने को कुर्बान कर दे, ये इस इंसानी रिश्ते में जब तक समझ नहीं आएगा और ठीक से व्याख्यायित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन आपको बुरा लगना चाहिए, हमको बुरा लगना चाहिए तब, जबकि जिस देश में इतनी देवी देवताएं हैं, स्त्रियों का इतना सम्मान है, नारी की इतनी पूजा होती है, वहां नारी की जो असल जगह है उसको देने में इतनी कंजूसी या इतनी देर क्यों। नमस्कार।